कोई बात नहीं, इनके उसमें हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और सुबह से हमें आपकी विशेज़ भी मिल रही हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बस माँ सरस्वती हम सब पर कृपा बनाए रखे और आपका प्यार इसी तरह हमें मिलता रहे। आज इसी के साथ हम ये दिन शुरू करते हैं, और क्योंकि बहुत अच्छा दिन है, घर पर खाना बनाने का मूड है नहीं, तो इसीलिए हमने प्लान किया है बाहर कुछ खाने का, क्योंकि घर का खाना खाते खाते आप लोग भी कई बार बोर हो जाते हैं। और ऑफकोर्स बड़े होटल्स में जब हम जाते हैं तो इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल बहुत सारी डिशेस हमारे पास ऑप्शंस में होती हैं, लेकिन आज हम जा रहे हैं एक ऑथेंटिक टेस्ट जो होता है, कई बार जब हम इस खाने से, रिच फूड से हम बोर हो जाते हैं तो हमें चाहिए होता है कुछ डिफरेंट। तो आज हम आपको टेस्ट कराएंगे, एक्सपीरियंस कराएंगे, और टेस्ट तो आप खुद आकर करेंगे। हम एक ढाबे का खाना आपको टेस्ट कराते हैं, और ये हमारी बहुत सारी खोजों के बाद हमें मिला है, क्योंकि जनरली यहाँ पर ऋषिकेश में ढाबों की थोड़ा सा कमी है, तो अच्छे ढाबे और अच्छा खाना मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हमने सर्च कर लिया है, तो इसलिए आपको सर्च ना करना पड़े, आपको ऑप्शन पहले ही मिल जाए। इसलिए आइए हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही अच्छा ढाबे का खाना। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं रावत का ढाबा में, जो ये लक्ष्मण झूला पर है, जैसा कि हमने बताया आपको। और यहाँ की जो स्पेशलिटी है, हम यहाँ पर रेगुलर आते थे लॉकडाउन से पहले, लेकिन लॉकडाउन के बाद अभी हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ हम देखते थे कि हमेशा फॉरेनर्स का क्राउड ज़्यादा रहता था, और जब हमें मन करता था नॉर्थ इंडियन एक ढाबा स्टाइल खाना खाने का, तो हम थोड़े चटोरे हैं इस मामले में, मेरे हस्बैंड ज़्यादा चटोरे हैं, अभी आवाज़ आ गई होगी आपको। तो हम इस तब यहाँ पर आते थे खाना खाने के लिए, और एक्चुअली खाना बहुत अच्छा है, ढाबा स्टाइल जो चाहिए होता है वही है। और यहाँ की लस्सी बहुत फेमस है, जो फॉरेनर्स को पसंद आती है, डिफरेंट टाइप ऑफ लस्सी, बनाना एंड पपाया, मीठी लस्सी जिसे बोलते हैं, इस तरह की लस्सी हैं। आज हम भी देखते हैं, ट्राई करते हैं। और एक स्पेशल थाली है यहाँ पर, डिलक्स थाली है, वैसे तो स्टार्टिंग थाली 80 रुपीज़ से स्टार्ट है, बट डिफरेंट डिफरेंट थालीज़ हैं, तो वो हम रेट्स मेन्यू आपको दिखा देंगे। और लेकिन हमने जो स्पेशल थाली यहाँ पर ऑर्डर की है, अभी डिलक्स थाली है, और देखते हैं अभी उसमें क्या क्या आता है। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, तो अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है, तो जल्दी से थाली मंगवाते हैं और फिर हम दिखाते हैं उसमें क्या क्या मिलता है हमें। ये नान बना रहे हो भैया आप? बटर नान। ये सिर्फ नान में ही लगाते हो ना आप अंदर? प्लेन रोटी में नहीं होता ये? ओके, गुड, अच्छा लग रहा है। तो लक्ष्मण झूला में अगर आप आते हैं, तो यहाँ पर ये दो ढाबे हैं, भंडारी ढाबा और रावत का ढाबा। ये दोनों ढाबे 1976-77 में बने थे, और उसके बाद ये बाकी सारे जो ढाबे हैं वो बने हैं, लेकिन ऑथेंटिक टेस्ट जो एक ढाबे वाला आपको चाहिए, वो यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में हमने देखा है। जब भी हमें ढाबे का खाना खाने का मन करता है, हम यहीं पर आते हैं, क्योंकि होटल्स का खाना आप खा तो लेते हैं, आई मीन, बट एक होता है कि कई बार मन भर जाता है होटल का खाना खा खा के, तो इसलिए कभी कभी ढाबे का टेस्ट भी अच्छा लगता है। और हमें जब भी ढाबा के खाना खाने का मन करता है, तो हम यहीं पर आते हैं। तो आप भी जब ऋषिकेश आएँ और ढाबे का खाना अगर आपको खाना हो, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और देखिए, प्रिपरेशन जिस तरह से इन्होंने की है, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, और अब मैं खा के बताती हूँ कि ये कैसा है। तो बेटा, आप क्या खाओगे बताओ? पनीर। खाना बहुत टेस्टी है, स्पेशली जो नान इन्होंने हमें दिया है, कुछ डिफरेंट तरीके से वो बना रहे थे, मैंने देखा था बनाते टाइम भी, उसका वो फ्लेवर जो उन्होंने ऊपर से डाला था, बहुत अच्छे से फ्लेवर आ रहा है उसका, बहुत टेस्टी है, और इसीलिए हम जल्दी से फिनिश करना चाह रहे हैं।
तो फ्रेंड्स थाली तो हमने फिनिश कर दी है और अब इंतज़ार कर रहे हैं हमारी डेजर्ट का, क्योंकि इसमें डेजर्ट भी अभी मिलने वाली है। और मेन्यू मैं तब तक आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाह रही हूँ। यहाँ पर बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, यहाँ पर 20 रुपीज़ से चाय का मेन्यू स्टार्ट है। बेवरेजेस सारे 25-30 की रेंज में है, मैक्सिमम 40 रुपीज़। और पराठा भी आपको आलू पराठा 30 रुपीज़, पनीर पराठा, काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पराठाज हैं यहाँ पे जो 25 से स्टार्ट हैं और 55 तक हैं। छोले भटूरे इन 60 रुपीज़, विच इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, हमारे घर में सबको पसंद है। और पनीर देखिए, यहाँ पर पनीर की डिशेज़ हैं, शाही पनीर 130, मटर पनीर 110 पनीर। और थाली जो मैंने आपको बताया था 80 रुपीज़, 120-230। तो जो डीलक्स थाली हमने ली है वो 230 रुपीज़ की है। और इसके अलावा भी रोटी बहुत ही नॉर्मल प्राइजेज हैं, 8 रुपीज़, 10 रुपीज़। इवन नान अगर मैं बात करूँ, नान है यहाँ पर, बटर नान इज़ 35 रुपीज़। तो फ्रेंड्स खाना खाने के बाद अगर मन कर रहा हो आपका कुछ पीने का, लाइक हॉट चॉकलेट, हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, तो यहाँ पर लक्ष्मण झूला पे बहुत फेमस जगह है और बहुत ही अच्छी लोकेशन है। ये देखिए जर्मन बेकरी इसका नाम है, बहुत फेमस बेकरी है। बट अभी मैं देख रही हूँ कुछ काम चल रहा है यहाँ पर, तो अभी हम अंदर जाकर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। और यहाँ पर जब फॉरेनर्स यहाँ पर होते हैं तो आप यहाँ पर देखिए भीड़ इतनी रहती है इस बेकरी में, इवन सुबह से शाम तक यहाँ पर बैठे रहते हैं और मोस्टली फॉरेनर्स ही दिखते हैं हमें, क्योंकि यहाँ पर व्यू बहुत अच्छा है और सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह से इन्होंने दिया हुआ है कि आप बैठकर अपना यहाँ पर गंगा जी का व्यू लेते हुए, आप सुबह से शाम कब हो जाती है पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर आप जब आएँ तो जर्मन बेकरी भी आप एक ऑप्शन ले सकते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है अंदर। अभी तो फ्रेंड्स जर्मन बेकरी के बिल्कुल साथ में ही ये बुक स्टोर है। देखिए बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स मुझे यहाँ पर दिख रही है और ज़्यादातर ये रिलेटेड है मेडिटेशन से। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं और ऑफ कोर्स यहाँ पर घंटों लोग बैठे रहते हैं जर्मन बेकरी में और वो एंजॉय करते हैं कॉफ़ी के साथ, इवन बुक्स को भी। तो बहुत अच्छी जगह है इसीलिए क्योंकि सामने बिल्कुल गंगा जी का व्यू मिलता है और इसीलिए आप जब एक बार पढ़ना शुरू करते हैं बुक तो उसको ख़त्म करके ही उठते हैं। तो जर्मन बेकरी में दीपक भैया हैं जो यहाँ पर सारी चीज़ें देखते हैं ओवरऑल, और हम इतने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, हम हमेशा दीपक भैया को ही देखते हैं इसलिए हमें पता है। तो भैया आप हमें बताओ कि यहाँ पर ये जो स्पेशल चीज़ें आप बनाते हो इसकी क्या खासियत बताओ और लोग इसमें से सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? ऐसा है कि ये जो पीनट कुकीज है, ये आलमंड ट्रायंगल है, ये वन ऑफ द बेस्ट है। अच्छा, तो ये तो वेगन है, इसमें बोलते हैं ग्लूटेन फ्री नहीं आता है और वेगन है। अच्छा, ग्लूटेन फ्री है ये? ग्लूटेन फ्री है। ओके, और क्योंकि कई लोग यहाँ पे स्पेशली मैंने फॉरनर्स को देखा है ग्लूटेन एलर्जिक होते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, हमारे पास बहुत सारे और भी है क्योंकि हमारा जो काउंटर है अभी रिपेयरिंग में चल रहा है तो इसलिए लगाया नहीं। हाँ, देख रही हूँ मैं यहाँ पे काम चल रहा है। ओके, और ये क्या है? ये चीज़ गार्लिक मफिन सॉल्टेड है। अच्छा, सॉल्टेड मफिन है। ये है,
चीज़ केक है सबसे ज़्यादा। लक्ष्मण झूला अगर आप आते हैं और जर्मन बेकरी नहीं आते हैं तो आपकी विजिट कंप्लीट नहीं होती है, तो यहाँ पर ज़रूर आएँ और ये जो चीज़ें भैया ने हमें दिखाई हैं आप टेस्ट कर सकते हैं। आई एम 100% श्योर आपको ये टेस्ट, इनका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। थैंक यू भैया। वी लव ऋषिकेश फ्रेंड्स, एक्चुअली वी लव ऋषिकेश एंड आई लव ऋषिकेश। वाई आई लव ऋषिकेश ये मैं आपको बताने वाली हूँ इस बार संडे को सेम टाइम 5 o'clock, बी रेडी। और हम बात करेंगे कि मुझे ऋषिकेश क्यों इतना पसंद है और उसके पीछे मैं कुछ वैलिड रीजंस आपको बताऊंगी। हो सकता है आप लोगों को और जगह भी पसंद हो और ऋषिकेश, लेकिन अपने आप में एक जो अल्टीमेट जगह है उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे, तो हम वेट करते हैं संडे तक। तो फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आया आज ढाबे का खाना खा के और स्टमक फुल हो गया है, तो अब थोड़ा सा वॉक करते हुए जाएंगे हम लक्ष्मण झूला रोड तक, तो थोड़ा खाना हजम भी हो जाएगा। और आज अच्छा लगा है, बहुत टाइम बाद हम एज अ टूरिस्ट घूम रहे हैं यहाँ पर, तो ये एक्सपीरियंस भी अच्छा है। और बहुत जल्दी मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ कुछ नए एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। तब तक आप ये वीडियो देखिए और लाइक शेयर कीजिए और इसी तरह ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। Thank you.